वेलकम टू साम्यू नेक्रोमेरिन। ये खजूर की वैरायटी है खुनेजी, जो एक ड्यूअल पर्पस वैरायटी है। इसके पिंड खजूर भी बनाए जा सकते हैं या फिर इसे सीधा मार्केट में फ्रेश फ्रूट में भी बेचा जा सकता है। और ये देखिए, ये जुग्गा है, इसमें अब पिंड खजूर बनना शुरू हो गए हैं। ये लगभग ये जो फ्रूट है ये पक गया है। इसको सुखा के और पिंड खजूर बनाया जा सकता है और पूरी साल इसको संरक्षित करके अच्छे भाव में मार्केट में बेचा जा सकता है। कुछ फ्रूट इसमें जो हैं, ये देखिए, ये अभी पक गए हैं लेकिन इनके पिंड बनना शुरू नहीं हुए हैं। इन फ्रूटों को फ्रेश फ्रूट के रूप में मार्केट में बेचा जा सकता है। इस वैरायटी की जो एवरेज पैदावार है वो प्रति पौधे 100 से 150 किलो के आसपास है। बाकी इसमें रख रखाव और मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा खाद पानी और इसकी दिया जाएगा तो इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होगी, ज़्यादा भी हो सकती है। ये देखिए, ये इसके शिशु पौधे ऑफशूट प्लांट हैं जो कि लगभग 3 से 4 वर्ष की उम्र का है। इसको रिमूव करके और हम खेत में लगाएंगे तो इसमें भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग इसके मदर प्लांट की जैसी होगी। और 3 से 3 वर्ष बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ष बाद जो हैं ये पौधे जो है पैदावार शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें जो है बड़े साइज के और अच्छे जो हैं पौधे उन्हीं को निकाला जा सकता है, सभी को उनको नहीं निकाला जा सकता। एक पौधे में 1 से 2 इस तरह के ऑफशूट निकाली जा सकती हैं, जिन्हें हम कई यंत्र होते हैं उनकी सहायता से इन्हें हम निकाल के अलग करते हैं। ये इसमें से काफ़ी सारे झुग्गे तोड़ लिए गए हैं और अभी भी इसमें काफ़ी फ्रूट है। और जो फ्रूट का पैदावार है वो पूरी आपके मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ज़्यादातर ये पौधे हैं जो देखो, इनमें से फ्रूट तोड़ लिया गया है और तोड़ के मार्केट में सेल कर दिया गया है। लगभग लगभग ये जून के लास्ट वीक तक पक के तैयार हो जाती है और मार्केट में सेल करने के लिए तैयार हो जाती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।